ये सब होता है। उसके बाद हम बात करते हैं थर्मल एक्सपेंशन का, करते हैं ना जी, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम एंड इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन डेंसिटी एंड बायंट फोर्स, ये सब वगैरह वगैरह करते हैं। टेम्परेचर बढ़ा तो क्या होगा, एरिया बढ़ेगा, वॉल्यूम बढ़ेगा, लेंथ भी बढ़ जाएगा, ऐसा ऐसा होता है ना जी। बोलो हाय ना, वहाँ से स्टार्ट किए थे। उसके बाद हमने क्या स्टार्ट किया था, कैलोरीमेट्री स्टार्ट किया था। बोलो कैलोरीमेट्री में क्या होता है, हीट लॉस बाय हॉट बॉडी इज इक्वल टू हीट गेन बाय कोल्ड बॉडी। और उसमें ध्यान रखना पड़ता है कि फेज चेंज वाला होता है ना, फेज चेंज। सो फेज चेंज वाला क्या होता है कि सेम टेम्परेचर पे जब सब्सटेंस जो है लिक्विड से सॉलिड या सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस या गैस से लिक्विड होता बन में कन्वर्ट होता है तो टेम्परेचर चेंज नहीं होता है। तो उसके लिए जो हीट हम देते हैं उसको हम क्या बोलते हैं या हीट निकालते हैं, लेटेंट हीट बोलते हैं। ओके, लेटेंट हीट का वैल्यू याद रखेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। लेटेंट हीट का वैल्यू अगर मान लो तो आइस का मेल्ट होने में कितना होता है जी, 80 कैलोरी पर ग्राम, 80 कैलोरी पर ग्राम। और उसमें जो है अगर वाटर 100 डिग्री सेल्सियस पे स्टीम में कन्वर्ट हो रहा है तो कितना होता है, 540 कैलोरी पर ग्राम, 540 कैलोरी पर ग्राम है ना, समझ गए। स्पेसिफिक हीट ऑफ आइस वाटर एंड वेपर, ये भी याद रखना होता है। आइस का वाटर का सबको याद होता है 1 कैलोरी पर ग्राम, और पर केजी के हिसाब से देखेंगे तो 4200 जूल पर केजी। ओके, 4200 जूल पर केजी होगा। और इसकी बात करेंगे, आइस की बात करेंगे तो क्या होता है, 0.49 होता है नहीं, तो अप्रोक्सीमेटली 2000 आसपास रखेंगे। 2000 इसका होता है, स्टीम का 2200 होता है। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी करने का मतलब हीट रिक्वायर्ड टू चेंज द टेम्परेचर ऑफ बॉडी या सब्सटेंस बाय 1 डिग्री सेल्सियस पर यूनिट मास के लिए। ओके, ये सब हम पढ़ रखे थे, बताओ हाय ना। देन हम इसमें एंटर किए क्या, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस में। काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस में सबसे पहले क्या होता है कि गैसेस किसी वॉल पे कंटेनर में रखा हुआ है तो कितना प्रेशर एग्जर्ट करेगा, तो पी इक्वल टू हाफ रो वन सॉरी वन बाई थ्री रो वी आर एम एस का स्क्वायर। ओके, वी आर एम एस स्पीड क्या होता है जी, सारे मॉलिक्यूल के स्क्वायर का मीन का स्क्वायर रूट होता है। ओके, हम कैलकुलेट करते हैं। उसके बाद हमने मोस्ट प्रोबेबल स्पीड की बात किया, उसके बाद हमने मीन स्पीड की बात किया। सबका टेम्परेचर के साथ क्या रिलेशनशिप है, सबका मॉलिकुलर मास के साथ क्या रिलेशनशिप है, बेसिकली वी आर एम एस या वी मीन या वी मोस्ट प्रोबेबल है तो उसका सब कोई क्या होगा, टेम्परेचर के साथ क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ टी। बोलो हाय ना, ये सब छोटी छोटी चीज़ें हम लोग याद रखेंगे। और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ मॉलिकुलर मास, उस पर बहुत ही इंपॉर्टेंट आता है, जब तक पूछते रहता है मेंस लेवल पे। सो ये सब याद रखोगे, क्लियर बात है। बोलो अब फिर प्रेशर को ही हम क्या लिख सकते हैं, क्या 1/3 रो वी स्क्वायर आर एम एस, और उसको ही बहुत तरह से मैनिपुलेट भी कर सकते हैं, सारे वेरिएशन देख लेंगे। अगर आपको काइनेटिक एनर्जी ऑफ मीन काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए मॉलिक्यूल पता है ई, देन प्रेशर क्या होगा, पी इक्वल टू 2/3 इंटू ई। टोटल एनर्जी की बात करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, अगर टोटल एनर्जी सारे मॉलिक्यूल का है ई, देन क्या हो जाएगा, पी वी इक्वल टू 2/3 ई हो जाएगा, टोटल एनर्जी ऑफ ऑल द गैसेस मॉलिक्यूल हो जाएगा उसमें, समझ गए, क्लियर है जी। बोलो है ना, चलिए ठीक है जी। और उसके में पढ़ते हैं कि एक मॉलिक्यूल का एक डिग्री ऑफ फ्रीडम के लिए जो एवरेज काइनेटिक एनर्जी होता है वो क्या होता है, एक मॉलिक्यूल का एक डिग्री ऑफ फ्रीडम के लिए एवरेज इंटरनल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी जो होगा वो क्या होगा, हाफ के वी टी, क्या हाफ के वी टी। और मान लो कि पूरे डिग्री ऑफ फ्रीडम के लिए बात करेंगे तो उसमें मोनो एटॉमिक, डायटॉमिक, डायटॉमिक के साथ लीनियर पॉलीएटॉमिक एंड फिर नॉन लीनियर पॉलीएटॉमिक का ध्यान रखते हैं। मोनोएटॉमिक का डिग्री ऑफ फ्रीडम 3, डायटॉमिक और डायटॉमिक एंड लीनियर पॉलीएटॉमिक का 5, नॉन लीनियर पॉलीएटॉमिक का क्या होता है 6 होता है, सबको याद है। मोनोएटॉमिक करने का मतलब क्या होगा, हीलियम ऑर्गन ये सब जो हो गया, ये सब क्या हो गया, मोनोएटॉमिक हो गया। ओके, डायटॉमिक करने का मतलब हाइड्रोजन H2, ऑक्सीजन O2,
नाइट्रोजन N2, ये सब क्या हो गया आपका डायटोमिक हो गया, CO या फिर CO2 की बात करेंगे तो ये क्या हो जाएगा लीनियर पोलर एटॉमिक, लीनियर पॉली एटॉमिक, और इसको हम डायटोमिक ही कंसीडर करेंगे, समझ गए, बोलो हाय ना। दूसरा है पॉली एटॉमिक की बात करेंगे तो जैसे CO2 नहीं कह के N2O, और भी बहुत सारा गैस होता है, मीथेन हो गया, कुछ भी हो गया, तो उसके लिए क्या होगा 6 होगा। अब ये सब गामा का वैल्यू जानते हो, CP/CV होता है जी, और CP/CV क्या होगा, गामा होगा, उसका डिग्री ऑफ फ्रीडम के साथ क्या रिलेशनशिप होता है, गामा का डिग्री ऑफ फ्रीडम के साथ क्या रिलेशनशिप होता है, 1+2/F, देखो है या ना, 1+2/F है ना गामा का, तो ये सब पढ़ा दिया गया था आपको। उसके बाद हम लोग क्या पढ़े थे, इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी में ही हमने पढ़ा था कि हर एक डिग्री ऑफ फ्रीडम के लिए जो एनर्जी होता है वो क्या होता है, हाफ टाइम के बी टाइम एब्सोल्यूट टेम्परेचर टी, ओके ठीक है जी, ये सब पढ़ा था ना हमने। वन मॉलिक्यूल के लिए बात करेंगे तो बोल्ट्जमान कांस्टेंट के भी यूज करते हैं, एंड पूरे मोल के लिए बात किया तो यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट आर यूज करते हैं, समझ गए ये सब। उसके बाद हमने एंटर किया था जी कांस्टेंट वॉल्यूम थर्मोडायनेमिक्स में, थर्मोडायनेमिक्स में फिजिकल कंडीशन प्रेशर वॉल्यूम टेम्परेचर इंटरनल एनर्जी जो होता है वो क्या कहलाता है, स्टेट कहलाता है, और जब ये वेरिएबल चेंज होता है तो सीरीज, हाँ जी सब सीरीज ऑफ चेंज ऑफ स्टेट को हम क्या बोलते हैं, प्रोसेस बोलते हैं, बहुत तरह के प्रोसेस होते हैं, कांस्टेंट वॉल्यूम कांस्टेंट प्रेशर आइसोथर्मल कांस्टेंट टेम्परेचर एंड एडियाबेटिक, यहाँ तक पर रखे थे जी। अब एडियाबेटिक और आइसोथर्मल को पहचानना जरूरी होता है, सबसे इम्पोर्टेंट जो होता है थर्मोडायनेमिक्स में, आपको पूछेगा, अच्छा पूछना होता है तो पूछेगा कौन सा एडियाबेटिक है कौन सा आइसोथर्मल है, उसमें ही देखो आप वहीं से प्रोसीड कर रहे हैं आप, तो ये क्या होगा, मान लेते हैं कि कंप्रेशन की बात करते हैं, क्या कंप्रेशन में, कंप्रेशन में क्या होता है, वॉल्यूम जो होता है वो क्या होता है जी, घटता है ना, कंप्रेशन में वॉल्यूम क्या होगा, घटेगा, इसको थोड़ा सा और ऐसा, सो यहाँ पे देखो अब इसमें कंप्रेशन हो रहा है, इसको हम ब्लू से बना देते हैं भाई, ठीक है, सो इसको मान लो कि O और ये है 1 और ये है A ये है B, अब बताओ O से A कौन सा होगा, O टू A कौन सा प्रोसेस है, आइसोथर्मल स्लोप कम है तो, और O से B कौन सा है, बहुत बढ़िया बहुत सुंदर, ये हो गया आपका एडियाबेटिक, सो ये हो गया आपका एडियाबेटिक। तो इसमें देखो यहाँ पे अब बात करेंगे एरिया अंडर पीवी डायग्राम क्या देता है, आप वर्क डन को क्या लिखते हो जी, वर्क डन को सब लोग जानते हैं ना, अभी तक लिखते आ रहे हैं PdV, और जब आपको बताया गया था DY/DX पढ़ाया गया था डिफ्रेंसिएशन, तो ये भी बताया था ना अगर ऐसा कुछ है YdX तो इसको क्या समझते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ YdX को हम क्या समझते हैं जी, एरिया अंडर YX कर्व, एरिया अंडर कर्व, समझ गए, तो एरिया अंडर YX कर्व होता है, ये क्या होता है एरिया अंडर YX कर्व, तो यहाँ पर अगर ये लिखा हुआ है PdV इसका मतलब क्या होगा, वर्क डन इक्वल टू एरिया अंडर PV कर्व, PV इंडिकेटर डायग्राम या इंडिकेटर डायग्राम बोलते हैं, अब ये बात करेंगे तो बताओ ये V के साथ V एक्सिस के साथ देखो O से A ज़्यादा एरिया बनाएगा या O से B बनाएगा ज़्यादा,
मतलब कि कंप्रेस करने में अगर हम आइसोथर्मल प्रोसेस लेंगे और एडियाबेटिक प्रोसेस हम एज्यूम करेंगे, एक आइसोथर्मल प्रोसेस है एक एडियाबेटिक प्रोसेस है, तो कंप्रेस करने में हमें किस में ज़्यादा काम करना पड़ेगा? एडियाबेटिक में ज़्यादा काम करना पड़ेगा, समझ गए? सो कंप्रेस करने में एडियाबेटिक में ज़्यादा काम करना पड़ेगा। अगर सिर्फ वॉल्यूम को देखेंगे तो कौन सा चूज करोगे? सिर्फ वॉल्यूम के कंसीडर करोगे कितना कंप्रेस करना है, तो हमें आइसोथर्मल करना चाहिए क्योंकि वर्क हमें कम करना पड़ेगा। हम सिस्टम पे वर्क करेंगे तभी ना ये कंप्रेस होगा सिस्टम, तो वर्क हमें कम करना पड़ेगा। लेकिन अगर प्रेशर बढ़ाना है तो कौन सा रखना पड़ेगा? हमें ज़्यादा प्रेशर चाहिए तो एडियाबेटिक वाला लेंगे, बोलो हाँ है ना, क्लियर है? सो ये याद रखेंगे, इस केस में देखेंगे कंप्रेशन में क्या होगा, फाइनल प्रेशर इसकी बात करेंगे, पी आइसोथर्मल फाइनल प्रेशर पी। पी आइसोथर्मल क्या होगा जी? लेस देन पी एडियाबेटिक, याद रखेंगे। वॉल्यूम तो सेम होगा, फॉर सेम वॉल्यूम, फॉर सेम फाइनल वॉल्यूम के लिए प्रेशर क्या होगा आइसोथर्मल का? कम होगा। वर्क डन की बात करेंगे तो वर्क डन इन आइसोथर्मल प्रोसेस क्या होगा? लेस देन वर्क डन बाय एडियाबेटिक। ऑल्सो प्रेशर ज़्यादा होगा तो टेम्परेचर तो भी क्या होगा, टेम्परेचर भी आइसोथर्मल में तो क्या होगा जी, कॉन्स्टेंट ही होता है, तो ये टी जो होगा एडियाबेटिक से कम ही होगा। सो ये याद रखोगे, पी आइसोथर्मल इज लेस देन पी एडियाबेटिक, डब्ल्यू आइसोथर्मल इज लेस देन डब्ल्यू एडियाबेटिक, टी आइसोथर्मल इज लेस देन टी एडियाबेटिक। नोट कर लो बच्चे, ओके ये देखो बढ़िया पूछता है ग्राफ से, अगर आपको याद है फटाफट बना दोगे, कोई कैलकुलेशन नहीं है, चार मार्क्स आपके बुक हो जाएंगे फटाफट।
भैया जी, चलो सो ये समझ गए कंप्रेशन, ये क्या है कंप्रेशन, वॉल्यूम अगर घट रहा है तो क्या हो गया, कंप्रेशन हो जाएगा, वॉल्यूम अगर बढ़ रहा है तो क्या हो जाएगा, एक्सपेंशन हो जाएगा। तो कंप्रेशन में याद रखोगे ये एडियाबेटिक होगा, अगर सब कुछ पता है सीधा स्लोप ज़्यादा होना है एडियाबेटिक का तो ये ऐसा जाएगा, बीच ज़्यादा स्टीपर होगा, आइसोथर्मल का क्या होगा, कम होता है स्लोप तो थोड़ा कम स्टीपर होगा, नीचे वाला आइसोथर्मल होगा, आपको पहचानने में कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए एडियाबेटिक, और ये है आपका आइसोथर्मल। ओके, सो पहचानने में कोई दिक्कत किसी को नहीं होना चाहिए, और ये बाकी चीज़ें याद रखेंगे, बहुत ही आसान है, आप रिवीजन नहीं करोगे तभी भूलोगे, रिवीजन करते रहोगे थोड़ा सा 3-4 बार, एक बार नोटबुक को रिवाइज करते रहोगे तो कुछ भी नहीं छूटेगा। मेंस लेवल के लिए जो क्लास में करवाते रहेंगे उतना सफिशियंट होता है। ओके, मतलब सफिशियंट, उसको सिर्फ प्रैक्टिस करना है, याद रखना है, उसमें ज़्यादा कुछ नहीं करना है। ये पूछा गया है ये सब क्वेश्चंस मेंस में। नेक्स्ट जो है, मान लो कि ये है तुम्हारा पीवी इंडिकेटर डायग्राम, पी है और ये भी है, प्रेशर एंड वॉल्यूम है। चलो ठीक है भाई, अभी जो था ये वो उधर गया था, अभी हम इसको इधर ले आते हैं, ठीक है। अब ये देखो इधर आ गया जी, तो अब इसमें बताओ कौन सा एडियाबेटिक होगा, कौन सा आइसोथर्मल होगा, बताओ जी। ऊपर वाला आइसोथर्मल होगा, ये नीचे वाला एडियाबेटिक होगा। क्लियर है, इसको क्या बोले थे, ए बोले थे, बताओ, ए डैश था, देखो तो ए था, ए बी एडियाबेटिक बी था, ए था ए बी था, था चेक करो बी, चलो इसको बी डैश बोल लेते हैं, इसको एड ए डैश बोल लेते हैं, ये रहेगा वही, तो ओ से ए डैश क्या है जी हमारा, बताओ, आइसोथर्मल है, और ओ से बी डैश, एक तो पहचानना आना चाहिए आपको, एडियाबेटिक है जी। ओके, देखो ये एडवांस मतलब क्या होता है, वेरी सिंपल, बहुत ही लो, एकदम फुल डिटेल। एडवांस का क्वेश्चन मतलब ऐसा नहीं है कि आपको बहुत ही ऊपर से लाके दे दिया कि भैया हाँ तुम मार्स पे तो पहुंच गए, अब सैटर्न के लिए तुम स्पेस क्राफ्ट बना दो, ऐसा नहीं होता है। एडवांस मतलब क्या हुआ, कितने डिटेल से, कितने अच्छे से, कितने डिटेल से आप पढ़ रखे हो। जाने लोग बच्चे ऊपर ऊपर से पढ़ लेते हैं, फिर कहते एडवांस में बहुत पढ़ना पड़ता है, एडवांस में बहुत पढ़ना पड़ता है, लेकिन बहुत पढ़ने का मतलब क्या हुआ, अच्छे से डीप में जाके। ओके, बहुत अच्छी दोस्ती का मतलब क्या है, सब कुछ अच्छे से समझते हो किसी के बारे में। ओके, तो मतलब कि वही होता है एडवांस मतलब क्या होता है, ये ऐसा नहीं कि रॉकेट साइंस आ गया भाई, अभी मार्स पे हो गया तो सीधा आपको कोरोना वायरस को मारने के लिए कोई कोड करना होगा, ऐसा नहीं है। एडवांस मतलब कि डिटेल से पढ़ोगे, तो अगर मान लो कि बहुत अच्छे से स्टडी की हो, डिटेल से स्टडी की हो, तो आप आगे एडवांस करोगे, एप्लीकेशन भी उसका अच्छा रहता है, जिसका फंडामेंटल अच्छा होता है उसका एडवांस भी अच्छा ही रहेगा। तो ये देखो आइसोथर्मल, ये है एडियाबेटिक, और ये हो गया प्रेशर वॉल्यूम। अब ये बात कर लिया था पिछली बार में, बताओ जी प्रेशर किसका ज़्यादा होगा, फाइनल प्रेशर की बात करेंगे तो फाइनल प्रेशर जो होगा अभी किस में ज़्यादा होगा, आइसोथर्मल में होगा। फाइनल अगर हम वर्क डन की बात करें अभी एक्सपेंशन में, ये क्या है, एक्सपेंशन है ना, वॉल्यूम बढ़ रहा है तो एक्सपेंशन है। ओके, तो इसमें देखो ये क्या होगा, वर्क डन क्या है, आइसोथर्मल, क्या हुआ, सब कुछ पलट गया तुरंत एकदम से, समझ गए, डब्ल्यू एडियाबेटिक। ओके, और टेम्परेचर की भी बात करेंगे तो टी आइसोथर्मल जो होगा वो क्या होगा जी, ज्यादा होगा टी एडियाबेटिक से। ओके, ये याद रखेंगे, बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज था ये।
हो गया जी बच्चे, समझ गए यहाँ तक? बोलो आए ना। चलिए ना हम बात करेंगे पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस। उससे पहले याद रखेंगे एडियाबेटिक प्रोसेस जो होता है इज फास्टेस्ट प्रोसेस, सारे प्रोसेस में सबसे फास्ट होगा। एडियाबेटिक या रिवर्सिबल एडियाबेटिक की बात करेंगे, तो आइडियल एडियाबेटिक जो होना चाहिए शुड बी इनफाइनाइटली फास्ट। आइसोथर्मल प्रोसेस जो होता है इज स्लोएस्ट प्रोसेस, और आइडियली प्रोसेस टू बी आइसोथर्मल हैज टू बी इनफाइनाइटली स्लो। अगर मान लो परफेक्टली आइसोथर्मल होगा तो उस प्रोसेस को बहुत ही धीमा होना पड़ेगा, और एडियाबेटिक होना है तो उस प्रोसेस को इनफाइनाइटली फास्ट होना पड़ेगा, एज फास्ट एज पॉसिबल। ओके, सो ये बात बुक में भी मेंशन नहीं है तुम्हारे बुक में, लेकिन याद रखें किसी भी बुक में मेंशन नहीं है, लेकिन क्वेश्चन पूछा है एक बार इस पर। बोलो हाँ है ना। नाउ हम बात करेंगे पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस का। क्वेश्चन हम बाद में करेंगे, क्वेश्चन पे बाद में डिस्कशन करेंगे, पहले जो अपना टेक्निकल पोर्शन है सारे टेक्निकल टर्म्स कैरेक्टरिस्टिक्स जो है जान लेंगे। ओके, सो हम बात करते हैं पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस का। पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस में क्या होगा बताओ जी? आइडियली कोई प्रोसेस ना ही आइसोथर्मल होता है ना ही क्या होता है एडियाबेटिक होता है। ओके, सो इन एक्चुअल में होता है, नीदर ए प्रोसेस इज परफेक्ट आइसोथर्मल और परफेक्ट नॉर, परफेक्ट एडियाबेटिक। इन एक्चुअल प्रोसेस इज पॉलीट्रॉपिक mean middle of isothermal
एंड एडियाबेटिक। आइसोथर्मल में क्या होता है, चेंज इन इंटरनल एनर्जी जीरो होता है, एडियाबेटिक में हीट गिवन टू सिस्टम जीरो होता है, होता है जी। तो पॉलीट्रॉपिक में क्या होगा कि थोड़ा बहुत हीट भी एक्सचेंज होगा और थोड़ा बहुत चेंज इन इंटरनल एनर्जी भी वहाँ पे होगा। चलिए ठीक है जी। एंड एक्सप्रेशन जो होता है इसका, एक्सप्रेशन की बात करेंगे तो ये क्या होगा, पी वी एन इक्वल टू कॉन्स्टेंट, पी वी एन इक्वल टू क्या, कॉन्स्टेंट, एन का वैल्यू कुछ भी हो सकता है, 1.2, 1.3, 1.5, ये सब कुछ भी, ओके। सो पी वी एन इक्वल टू कॉन्स्टेंट, और जनरली सारे प्रोसेस को हम इस फॉर्मेट में लिख सकते हैं, जनरली सारे प्रोसेस को हम इस फॉर्मेट में लिख सकते हैं, आइसोबारिक हो, आइसोकोरिक हो, आइसोथर्मल हो, एडियाबेटिक हो, सबको हम इस प्रोसेस इस फॉर्मेट में लिख सकते हैं, ओके। सो अब इसको आप पहचानते ही हो पी वी गामा में। वर्क डन की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा इस केस में बताओ, तो वर्क डन डब्ल्यू पॉलीट्रॉपिक की बात करेंगे तो पी वन वी वन माइनस पी टू वी टू डिवाइडेड बाई क्या था बताओ, पी वन वी वन माइनस पी टू वी टू, गामा माइनस वन था ना जी, बोलो हाँ या ना। सो ये हो गया एन माइनस वन, याद रखेंगे इसको, क्या एन माइनस वन। अब बताओ पी वन वी वन और पी टू वी टू की बात करेंगे तो क्या ये एन आर पी वन माइनस पी टू हो जाएगा बाय एन माइनस वन, या फिर आप लिख सकते हो एन आर, इसको माइनस डेल्टा टी, डेल्टा टी हमेशा क्या होगा, टी टू माइनस टी वन, फाइनल टेम्परेचर माइनस इनिशियल टेम्परेचर। यहाँ पे ये पॉइंट याद कर लेंगे, आप कहीं पे देखोगे n माइनस वन लिखा हुआ है, कहीं पे कहोगे 1 माइनस एन, ऊपर नोटिस करना भूल जाओगे। ये इनिशियल वाला पी वन वी वन, फाइनल वाला पी टू वी टू, देन n माइनस वन होगा। अगर पी टू वी टू इधर है और पी वन वी वन इधर है तो 1 माइनस एन हो जाएगा, समझ गए। उसमें बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं जानने के बावजूद भी, तो ये चीज़ नोटिस करेंगे, पी वन वी वन माइनस पी टू वी टू है तो एन माइनस वन लिखेंगे, और अगर पी टू वी टू जैसा कि एडियाबेटिक प्रोसेस में भी पी वन वी वन माइनस पी टू वी टू है तो गामा माइनस वन, ओके। अब इसमें ही देखो पी वन वी वन को एन आर टी वन लिखेंगे, पी टू वी टू को एन आर टी टू लिखोगे, एन आर कॉमन लिया तो टी वन माइनस टी टू, बट टी वन माइनस टी टू इज नॉट डेल्टा टी, इट इज माइनस ऑफ डेल्टा टी। सो वर्क डन इज एन आर माइनस डेल्टा टी एन माइनस वन। सो इसको अगर हम मिटा के आगे नोट कर लो इसको, हो गया जी बच्चे बोलो। सो इसको मिटा दें आप, हाँ कैसे कैसे बोलता है जी,
ठीक है, ऐसे ही बोल रहा था ना। हाँ चलो, वर्क डन क्या होगा देखो तो, एन आर डेल्टा टी 1 माइनस n कर देंगे अगर आप उसको। ओके सो ये हो गया आपका डेल्टा टी इक्वल टू टी टू माइनस टी वन, याद रखेंगे यहाँ पे। नाउ अब हम बात करेंगे चेंज इन इंटरनल एनर्जी जो होगा, तो वो तो हमेशा यही होगा, क्या होता है एन आर डेल्टा टी, क्लियर है जी? सॉरी एन आर नहीं होता, एन सी बी होता, एन सी बी डेल्टा टी होता है। ओके सो अब अगर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, याद रखेंगे स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी जो होता है पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस के लिए बहुत बढ़िया एक पूछा जाने वाला होता है क्वेश्चन। ओके सो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, ये वाला पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस में ये फॉर्मूला नहीं भूलोगे, बहुत सारा अच्छा अच्छा क्वेश्चन आपको दिखाएंगे सिर्फ इस फॉर्मूले से फटाफट बनेगा। ओके जनरली जो कंफ्यूज करने वाला सीधा नहीं होगा, इस फॉर्मूले का यूज़ करना पड़ेगा, ग्राफ को रीड करना है और इस फॉर्मूले को यूज़ करना है जो अच्छा क्वेश्चन है आईटीजी में। सो ये देखो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी की बात करेंगे तो ये जो हो जाएगा क्या होता है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, सी इक्वल टू क्या होता है डेल्टा क्यू डिवाइडेड बाय एन डेल्टा टी, यही लिखते हैं ना जी, और इसको हम बोलते हैं स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी इन पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस। ओके सो सी लिख लेते हैं। इसके लिए पहले हमें क्या करना पड़ेगा, डेल्टा टी का कैलकुलेशन करना पड़ेगा, सॉरी डेल्टा क्यू का। तो डेल्टा क्यू क्या होता है, डब्ल्यू प्लस डेल्टा यू, यही तो होता है, बोलो हाय ना। तो डेल्टा क्यू जो होता है हमारा, ये डब्ल्यू क्या होगा एन आर डेल्टा टी, और ये क्या लिखा हुआ था मैं 1 माइनस n, क्या 1 माइनस n और प्लस डेल्टा यू जो होता है एन सी वी डेल्टा टी। ठीक है भाई, तो यहाँ से देखो क्या हम डेल्टा क्यू बाय एन डेल्टा टी को क्या लिख सकते हैं, सी वी प्लस आर बाय 1 माइनस n लिख सकते हैं जी, बोलो हाँ या ना। तो ये हो गया आपका इक्वेशन वन, और इसको इक्वेशन टू बोल दो। सो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी इन पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस क्या लिख सकते हैं हम लोग, सी इक्वल टू सी बी प्लस आर 1 माइनस n। अब इसको ही लिखना है, कहीं कहीं पर आप ऐसा भी देख सकते हो n माइनस वन करते थे तो माइनस करना पड़ता है, ऐसा भी तो लिख सकते हैं, क्या दिक्कत है। इसको भी ऐसा कर लो, ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, याद रखेंगे पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस में जनरल प्रोसेस के लिए स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी सी वी, जो पॉलीट्रॉपिक इंडेक्स एन, और गैस कांस्टेंट आर के टर्म में। ये फार्मूला एक बार फिर से रिकॉल कर लो, इसको अच्छे से दो बार यहीं पर रिकॉल कर लो।
हो गया? चलो सारे प्रोसेस समझ गए, ये वाला याद रखेंगे, ये फॉर्मूला बहुत ही इम्पोर्टेंट है हमारा, सी इक्वल टू सी बी प्लस आर बाय वन माइनस एन, माइनस किया तो आर बाय एन माइनस वन, ओके ये याद रखेंगे हम लोग। नेक्स्ट हम बात करते हैं साइक्लिक प्रोसेस की रिगार्डिंग बात करेंगे, देन कार्नोट साइकिल एंड देन रेफ्रिजरेशन सिस्टम एंड हीट पंप, ओके। साइक्लिक प्रोसेस में क्या होगा, साइक्लिक एंड नॉन साइक्लिक प्रोसेस, साइक्लिक प्रोसेस में क्या होगा, इनिशियल स्टेट इज इक्वल टू फाइनल स्टेट, इनिशियल स्टेट इक्वल टू फाइनल स्टेट, ओके। सो ये याद रखेंगे, जैसे कि आप ऐसा भी कर सकते हो, कैसा भी कुछ भी हो सकता है, ओके ये यहाँ से गए, मान लो कि ये है तुम्हारा ए बी, ये है सी, ये है डी, तो प्रोसेस ए से बी से सी से डी से फाइनल ए को चला गया, तो ये क्या हो गया, साइक्लिक प्रोसेस हो गया। इनिशियल स्टेट क्या हो जाएगा, फाइनल स्टेट हो गया, ओके। आप ये किसी भी शेप में हो सकता है, मान लो कि पी भी है, ये किसी भी शेप में हो सकता है, ये इस तरह से भी हो सकता है, ओके इस तरह से भी हो सकता है, पी वी की बात करेंगे, तो ये हो गया आपका, मान लो पी ये है तुम्हारा ए बी सी, सो ए से बी, बी से सी, सी से फाइनल ए, देन क्या होगा, इनिशियल एंड फाइनल स्टेट सेम हो गया, तो ये क्या हो गया, साइक्लिक प्रोसेस हो गया, ओके okay? याद रखेंगे साइक्लिक प्रोसेस में क्या होगा, सीरीज ऑफ प्रोसेस इन विच, सीरीज ऑफ प्रोसेस प्रोसेसेस इन विच फाइनल स्टेट इज सेम एज इनिशियल स्टेट, फाइनल स्टेट इज सेम एज इनिशियल स्टेट। बोलो जी बच्चे, समझ गए? बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। याद रखेंगे क्लॉक वाइज जो साइकिल होगा, क्लॉक वाइज साइकिल यहीं पे नोट कर लो, ये क्या देगा, पॉजिटिव वर्क, ये क्या होगा, पॉजिटिव वर्क होगा इसमें, ये पावर प्रोड्यूसिंग डिवाइस का है, किसका, पावर प्रोड्यूसिंग डिवाइस का होता है, पावर प्रोड्यूसिंग डिवाइस, पावर प्रोड्यूस करने वाला डिवाइस क्या होता है जी, इंजन टरबाइन, इंजन आईसी इंजन, टरबाइन इंजन, ये सब का क्या होगा, क्लॉकवाइज होगा, और इसमें क्या होगा, एंटी क्लॉकवाइज में
एंटी क्लॉकवाइज साइकिल याद रखेंगे, बहुत इम्पोर्टेंट है। निगेटिव वर्क एंटी क्लॉकवाइज साइकिल में जो एरिया अंडर साइकिल जो देगा वो क्या होगा, निगेटिव वर्क। इसमें लिख लें एरिया अंडर साइकिल क्या होगा, निगेटिव वर्क। इसमें एरिया अंडर साइकिल जो होगा पॉजिटिव वर्क। ओके, एंटी क्लॉकवाइज साइकिल में निगेटिव वर्क होगा एरिया अंडर साइकिल, ये जो एरिया कैलकुलेट करेंगे निगेटिव वर्क होगा। दूसरा अगर हम बात करेंगे तो ये जो होगा आपका क्या कहते हैं, हाँ ये पावर कंज्यूमिंग डिवाइस के लिए होता है, ये क्या है, पावर कंज्यूमिंग डिवाइस के लिए होता है लाइक कंप्रेसर पंप। ओके, इट इज लाइक कंप्रेसर पंप, ये सब क्या होगा, पावर कंज्यूमिंग डिवाइस के लिए होगा, नोट कर लो। न्यूमेरिकल्स किस तरह के आते हैं हम बाद में करेंगे, इसके लिए सारा न्यूमेरिकल्स के लिए अलग से क्लास लेंगे, एक दो पहले हम टेक्निकल टर्म आपको एक बार कर देते हैं, उसके बाद इसका रिवीजन दो क्लास में करेंगे अच्छे से। ये सब लेकिन याद रखेंगे, क्लॉकवाइज है जी पॉजिटिव वर्क होगा, एंटी क्लॉकवाइज है तो निगेटिव वर्क होगा, क्लॉकवाइज किसके लिए, पावर प्रोड्यूसिंग डिवाइस के लिए, जो आईसी इंजन जो हमारे मोटर कार ये सब में होता है, या टरबाइन इंजन जहाँ पे थर्मल पावर प्लांट में जो अल्टरनेटर को रोटेट कराते रहता है। एंटी क्लॉकवाइज की बात करते हैं, पावर कंज्यूमिंग डिवाइस जो कंप्रेसर होता है, हमें क्या होता है गैस को या एयर को लो प्रेशर से हाई प्रेशर पे कन्वर्ट करके प्रोड्यूस करता है। पंप जो है वो पावर कंज्यूम करके हमारे पानी को क्या होता है, लो हेड से हाई हेड पे ट्रांसफ़र करता है, समझ गए। तो ये सब पावर कंज्यूमिंग डिवाइस होगा, उसका जो साइकिल देखेंगे प्रोसेस का तो एंटी क्लॉकवाइज होगा, और इसका देखेंगे तो ये क्या होगा, क्लॉकवाइज होगा। बाकी चीज़ें आप इंजीनियरिंग में बहुत पढ़ोगे इसके रिगार्डिंग, हमें बस यहाँ पे इतना ही रखना है। नाउ हम बात कर लेते हैं कार्नट इंजन एंड सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की बात करेंगे। सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या कहता है, सेकेंड लॉ ऑफ थर्मो इट गिव्स ए प्रॉपर्टी नेम्ड एज एंट्रोपी। ओके, एंट्रोपी जो है सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से आता है, ये याद रखेंगे। सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या है, बेसिकली एक नई प्रॉपर्टी का इजाद करता है जिसको हम बोलते हैं एंट्रोपी। इसमें क्या होता है, फॉर एनी प्रोसेस टू हैपन एंट्रोपी ऑफ यूनिवर्स इंक्रीजेज। एंट्रोपी को क्या करना है, इंक्रीज ही होना है। इट मे बी एंट्रोपी ऑफ सिस्टम और एंट्रोपी ऑफ सराउंडिंग, एंट्रोपी ऑफ सराउंडिंग
इंडिविजुअली निगेटिव, इंडिविजुअली इट मे बी एंट्रोपी ऑफ सिस्टम और एंट्रोपी ऑफ सराउंडिंग निगेटिव इंडिविजुअली. ओके, सो इंडिविजुअली जो है सिस्टम का निगेटिव हो सकता है, सराउंडिंग का भी निगेटिव हो सकता है, लेकिन दोनों का साथ साथ निगेटिव नहीं होगा. समझ गए, दोनों का साथ साथ निगेटिव नहीं होगा, याद रखेंगे. सो सिस्टम प्लस सराउंडिंग क्या होता है आपका? यूनिवर्स. यूनिवर्स होता है. ओके, फॉर एनी प्रोसेस, तो प्रोसेस के लिए, फॉर एनी स्पॉन्टेनियस प्रोसेस आप केमिस्ट्री में पढ़ते हो, या रियल प्रोसेस के लिए डेल्टा एस एंट्रोपी को हम डिनोट करते हैं, याद रखेंगे, डेल्टा एस से. चेंज इन एंट्रोपी ऑफ यूनिवर्स जो होना चाहिए शुड बी ग्रेटर इक्वल जीरो. रियल प्रोसेस के लिए ग्रेटर देन जीरो ही होता है, ग्रेटर देन जीरो होता है. नोट करो, हो गया, समझ गए. सो डेल्टा इन्वर्स करने का मतलब डेल्टा एस सिस्टम प्लस डेल्टा एस सराउंडिंग शुड बी ग्रेटर देन जीरो. सपोज क्यू अमाउंट ऑफ हीट इज गिवन टू ए सिस्टम एट टेम्परेचर टी. dQ amount of heat given to a system at temperature, यहां पे absolute temperature ऐड कर लोगे, absolute given at absolute temperature T, then एंट्रोपी ऑफ सिस्टम याद रखेंगे हम लोग, इंक्रीजेज कितना होता है जी, केमिस्ट्री में पढ़े हो बताओ. डेल्टा एस सिस्टम जो होगा, डी एस यहाँ पे लिखते हैं, डी एस इक्वल टू डी क्यू बाय टी, डी क्यू बाय टी. हाँ क्या है बताइए. फ्रॉम टुमारो वेडनसडे 7th April 2021 onward योर स्कूल टाइमिंग विल बी 8 AM to 1 PM. ओके, राउंड पेपर विल बी कंडक्टेड फ्रॉम 8:30 AM to 12 noon. डिस्कशन विल बी कंडक्टेड फ्रॉम 12:15 to 1 PM. ओके, स्टूडेंट्स आर इंस्ट्रक्टेड नॉट टू शेयर टिफिन विद क्लासमेट एंड स्ट्रिक्टली फॉलो सोशल डिस्टेंसिंग ड्यूरिंग स्कूल टाइम एंड आउटसाइड ऑफ द
स्कूल प्रीमिसेस एज वेल। ओके, सो सही बात है, कोरोना है, थोड़ा सा डिस्टेंसिंग मेंटेन करके रखिए और अपने आप को हेल्दी बनाए रखिए। आपका टाइमिंग है 8 AM to 1 PM। एक बार फिर से, राउंड पेपर विल बी कंडक्टेड फ्रॉम 8:30 AM to 12 noon, 8:30 to 12 बजे तक। डिस्कशन विल बी कंडक्टेड फ्रॉम 12:15 PM to 1 PM। ओके, डे का तो नहीं है अभी, ट्यूसडे, वेडनेसडे 7th April 2021 onwards, your school timing will be 8 AM to 1 PM. Round paper will be conducted from 8:30 AM to 12 noon. Discussion will be conducted from 12:15 PM to 1 PM. Okay? क्या 12 बजे से? क्या ये किसके लिए? अब ये तो पता नहीं इनको मिला होगा, यहाँ पे क्लास तो नहीं लिखा हुआ है, क्लास मेंशन नहीं। पेन है जी दो तो? हो गया जी बच्चे, इसको समझ लिए, क्लियर है? सो ये हो गया, देन एंट्रोपी ऑफ सिस्टम इंक्रीजेस बाय डीएस इक्वल टू डीक्यू बाय टी। सो अगर मान लो कि डेल्टा एस की बात करेंगे तो ये क्या होगा, डीएस, और ये हो गया डीक्यू बाय टी। सो ये जो होगा डेल्टा एस इक्वल टू, हम लिख सकते हैं डेल्टा क्यू बाय टी, इफ टेम्परेचर जो होगा, टेम्परेचर रिमेन कॉन्स्टेंट, जनरल जो होगा हमारा इसमें कैलकुलेट करने का ये वाला फॉर्मूला ही होगा, बट इफ टेम्परेचर रिमेन कॉन्स्टेंट देन आप डेल्टा एस इक्वल टू लिख सकते हो डेल्टा क्यू बाय टी, अगर कांस्टेंट टेम्परेचर पे हीट एक्सचेंज करते हैं तो। चलिए, इफ टेम्परेचर रिमेन कॉन्स्टेंट तो ये हो जाएगा सब, इसकी बात कर लें। अब हम बात कर लेते हैं एक दो स्टेटमेंट का। एंट्रोपी क्या होता है? एंट्रोपी क्या होता है? मेजर ऑफ डिसऑर्डर। एंट्रोपी की बात करते हैं तो एंट्रोपी की बात क्या करेंगे तो क्या होता है, इट इज रैंडमनेस।
और डिसऑर्डर। ओके, दूसरा हम इसमें ही पढ़ते हैं क्लॉसियस स्टेटमेंट। ये क्या बोलता है, सेल्सियस स्टेटमेंट या क्लॉसियस स्टेटमेंट जो बोलो इसको, ये बोलता है इट इज इम्पॉसिबल, इट इज इम्पॉसिबल टू ट्रांसफर हीट फ्रॉम लो टेम्परेचर बॉडी टू ए हाई टेम्परेचर without aid of any external agent। सेल्सियस बोलता है कि इट इज इम्पॉसिबल, हालांकि ये होता है प्रैक्टिकल में, जैसे हीट पंप हो गया, गर्म रखता है ना जी, ठंडे के दिनों में गर्म रखता है, होता है ना, तो उस केस में क्या होता है, आप एक्सटर्नल एड प्रोवाइड करते हो ना, हीटर प्रोवाइड कराते हो, ब्लोअर, उसके लिए आप क्या करते हो, मोटर को चलाते हो, हीटर चलाते हो, तो इलेक्ट्रिसिटी को आप क्या करते हो, पुट करते हो, उसका ही ना पार्ट आता है हीट में बन के। ओके, उसके लिए बिजली बिल भरते हो आप लोग, तो एक एक्सटर्नल एड होता है, तो विदाउट एड जो है, विदाउट मतलब कि हीटर या ब्लोअर क्या है, ठंडी के दिनों में आपका कमरा जो है गर्म नहीं हो सकता, समझ गए। नेक्स्ट जो है प्लांक स्टेटमेंट की बात करते हैं। It is impossible to construct an engine, a device which sole effect is to produce work। और इसको दूसरे स्टेटमेंट तौर पे देखो, इट इज इम्पॉसिबल फॉर ए डिवाइस टू वर्क between two source, work between heat source and heat sink at same temperature। यहाँ पे याद रखेंगे heat source and हीट सिंक क्या होता है। हीट सोर्स कहने का मतलब क्या होता है, हीट सोर्स का मतलब होता है जैसे कि वैसा सोर्स, वैसा प्लेस जहाँ पे कितना भी हीट डाल दो उसका जो है टेम्परेचर इंक्रीज नहीं होना चाहिए। बेसिकली हमारे लिए एनवायरनमेंट जो होता है आउटसाइड, जैसे कमरा है, कमरा को ठंडा रखना है,
तो कमरे से हीट निकाल के एसी क्या करता है, बाहर इन्वायरमेंट में डालते रहता है। तो इन्वायरमेंट बेसिकली क्या होता है हमारे लिए, हीट सिंक का काम करता है, हीट सिंक का काम करता है, समझ गए। अभी क्या है, जहाँ से हीट लेगा ठंडी के दिनों में, कहाँ से, इन्वायरमेंट से ही हीट लेता है ना। कमरे में भी तो अगर डिवाइस नहीं होगा, हीटर नहीं होगा तो क्या होगा, नॉर्मल ही होता है। तो हीट लेता भी एक्सट्रैक्ट भी करता है तो इन्वायरमेंट से ही करता है, समझ गए। तो हमारे लिए तो इन्वायरमेंट ही क्या होता है, हीट सोर्स हो जाता है, हीट सिंक भी हो जाता है। क्लियर है, बोलो है ना। सो बेसिकली अगर कोई डिवाइस हम चाहें, कोई डिवाइस चाहे क्या कि जैसे मान लो कि ऐसा डिवाइस बिना विदाउट एनी एक्सटर्नल एड, मतलब कि ऐसा जो है एक डिवाइस जो हीट ले इन्वायरमेंट से और काम भी कर दे, उस हीट का थोड़ा बहुत कन्वर्जन वर्क में भी कर दे, उससे हमारी गाड़ी भी चल जाए और जो बचा खुचा हीट है उसको थोड़ा फिर इन्वायरमेंट में दे दे, ऐसा तो नहीं होता ना। पेट्रोल जलाते ही है, उससे हीट डेवलप होता है, ओके। तो बहुत ज़्यादा हीट डेवलप होता है तो उससे हम क्या करते हैं, थोड़ा सा अपना पावर प्रोड्यूस करते हैं, गाड़ी को चलाते हैं, और जो बचा खुचा हीट होता है वो इन्वायरमेंट में हम क्या करते हैं, डाल देते हैं, ओके। सो उस केस में हीट सोर्स जो है हमारा इन्वायरमेंट नहीं है, हीट सोर्स क्या है हमारा, जो फ्यूल हम डालते हैं, क्लियर है, फ्यूल हो गया। और हीट सिंक जहाँ पे आप एक्सट्रैक्ट कर देते हो उसको हम बोलते हैं इन्वायरमेंट। सो ऐसा कोई भी डिवाइस मतलब कि बिना कुछ दूसरे सोर्स से एनर्जी कंज्यूम किए हुए एक ही जगह से हीट ले और उसको थोड़ा काम में कन्वर्ट कर दे और फिर जो बचा हुआ है उसको क्या करे, वापस से वहीं पे रख दे, ऐसा कोई डिवाइस नहीं बनता है। या फिर ऐसा भी नहीं कर सकते कि जितना हम हीट देते हैं उसका 100% वर्क में कन्वर्जन। अगर मान लो कि सेम सोर्स से आपने लिया, वर्क में कन्वर्ट किया, फिर उसी को दे दिया, तो इसका मतलब क्या हुआ, हीट का 100% वर्क में कन्वर्जन हो गया जी, लिया कन्वर्ट कर लिया फिर उसी को दे दिया सेम टेम्परेचर पे, तो ये 100% कन्वर्जन हो गया हीट का वर्क में, जबकि एक्चुअल में ये इम्पॉसिबल है। वर्क 100% हीट में कन्वर्ट हो सकता है, हम रब करते हैं तो ये क्या होता है, गर्म हो जाता है ना, तो हमारा काम पूरा का पूरा हीट में कन्वर्ट हो जाता है। तो वर्क जो है 100% हीट में कन्वर्ट हो सकता है, लेकिन हीट कभी भी 100% वर्क में कन्वर्ट नहीं हो सकता, ये याद रखेंगे। सो हीट सोर्स की बात करेंगे तो ये क्या होता है, हीट रिजर्वायर, रिजर्वायर एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर, वेयर एनी अमाउंट ऑफ फ्रॉम वेयर एनी अमाउंट ऑफ हीट कैन बी एक्सट्रैक्टेड विदाउट एनी चेंज इन टेम्परेचर ऑफ रिजर्वायर। याद रखेंगे, हीट सोर्स रिजर्वायर एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर फ्रॉम वेयर एनी अमाउंट ऑफ हीट कैन बी एक्सट्रैक्टेड करने का मतलब लिया जा सकता है विदाउट एनी चेंज इन टेम्परेचर ऑफ रिजर्वायर।
हो गया जी बच्चे, बोलो हाय ना। चलो बहुत बढ़िया। हीट सोर्स की बात कर ली हम लोग, हीट सिंक की बात करेंगे अभी। हीट सिंक क्या होगा? सेम एज हीट सिंक की बात करेंगे तो हीट सिंक क्या होता है जी? रिजर्वायर एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर, हीट रिजर्वायर एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर इन विच any amount of heat can be added without any change in temperature of reservoir। याद रखेंगे। बेसिकली इसके साथ एक और ऐड कर लेते हैं, थ्योरेटिकल पोर्शन होता है। याद रखेंगे हीट नेवर कैन बी कन्वर्टेड इनटू वर्क बाय 100%। इट नेवर कैन बी कन्वर्टेड इंटू वर्क बाय 100%, बट वर्क इज टू बी कन्वर्टेड इंटू हीट बाय 100%। ठीक है जी, बोलो। चलो बात करते हैं हम क्या प्लांक का स्टेटमेंट जो है कहने का मतलब, ये जो है सोर्स की तरह भी काम किया, यहाँ से Q1 अमाउंट ऑफ हीट लिया और एक डिवाइस है ये वर्क प्रोड्यूस किया और फिर Q2 अमाउंट ऑफ हीट। इट इज नॉट पॉसिबल दिस काइंड ऑफ डिवाइस इज नॉट पॉसिबल, यही बोलता है प्लांक कि सेम सोर्स से आपने हीट लिया Q1 अमाउंट ऑफ हीट और उसमें थोड़ा सा वर्क कर दिया W और फिर बचा खुचा जो हीट है सेम सोर्स को लौटा दिया। इट इज दिस काइंड ऑफ डिवाइस जो है पॉसिबल नहीं है। बेसिकली जो हमारा डिवाइस होता है एक सोर्स से लेते हैं, थोड़ा सा काम करते हैं, फिर दूसरे लोअर टेम्परेचर पे हम जाके रिलीज करते हैं। सेम टेम्परेचर पे नहीं हो सकता है पॉसिबल। इसमें क्या होगा,
ये मान लो कि ये सोर्स है, सिंक भी है, इन विच सोर्स एंड सिंक आर एट सेम टेम्परेचर, आर एट सेम टेम्परेचर, सोर्स एंड सिंक आर एट सेम टेम्परेचर। हो गया जी बच्चे, बोलो। अब चलो इसकी बात कर लिए हम सबका, अब बात करेंगे कार्नोट इंजन का। कार्नोट ने एक डिवाइस का हाइपोथेटिकल डिवाइस बनाया, ओके, एक्चुअल में हुआ नहीं, लेकिन हाइपोथेटिकल डिवाइस के बारे में, इंजन के बारे में सोचा और बोला कि कोई भी इंजन गिवन टेम्परेचर रेंज के लिए, गिवन टेम्परेचर रेंज के लिए कार्नोट इंजन से ज़्यादा एफिशिएंट नहीं हो सकता है, ओके। कोई भी इंजन गिवन टेम्परेचर डिफरेंस के लिए कार्नोट इंजन से ज़्यादा एफिशिएंट नहीं हो सकता, ओके, ये उसने स्टेटमेंट दिया। तो ये याद रखेंगे, कार्नोट इंजन की बात करेंगे। An ideal engine made by Carnot. Okay. Compression जो होता है, compression की बात करेंगे तो compression जो होगा reversible. रिवर्सिबल एडियाबेटिक, और इसकी बात करेंगे एक्सपेंशन का तो ये हो जाएगा कंप्रेशन की बात करेंगे तो ये क्या हो जाएगा रिवर्सिबल एडियाबेटिक कंप्रेशन होगा जी, या आइसोथर्मल वाला होना चाहिए, आइसोथर्मल होगा, एक सेकंड चेक कर लूं। कंप्रेशन जो है एडियाबेटिक ही है, हम्म,
एडियाबेटिक होगा, एक्सपेंशन भी रिवर्सिबल एडियाबेटिक होगा, ये याद रखेंगे। हीट एडिशन की बात करेंगे तो हीट एडिशन प्रोसेस जो होता है वो आइसोथर्मल होता है, क्या रिवर्सिबल आइसोथर्मल, ये इम्पोर्टेंट है, ये सब डायरेक्टली ये पूछेगा। ओके, हीट एडिशन प्रोसेस क्या होता है, किस तरह नेचर का। हीट रिजेक्शन प्रोसेस जो होता है रिवर्सिबल आइसोथर्मल, ग्राफ देखेंगे, पीवी इंडिकेटर डायग्राम देखेंगे इसका। तो पीवी इंडिकेटर डायग्राम जो होता है, यहाँ से मान लो कि स्लोप ज़्यादा होगा, ठीक है जी, यहाँ से इस तरह से मान लो, ठीक है, फिर ये यहाँ से आइसोथर्मल होगा, फिर ये एडियाबेटिक होगा, और फिर यहाँ से आइसोथर्मल होगा। पहले वन से टू गया, कंप्रेशन हीट एडिशन याद रखेंगे क्यू, और ये हो गया क्यू टू, यहाँ पे इस तरह से बना दोगे, यहाँ से हीट रिजेक्शन हो रहा है, और ये हो गया एक्सपेंशन। सो ये जो होगा कंप्रेशन याद रखो, हीट एडिशन, एक्सपेंशन, हीट रिजेक्शन, ये है पीवी डायग्राम। पीवी डायग्राम, टीएस डायग्राम की बात करेंगे, टीएस डायग्राम भी याद रखोगे। चेंज इन एंट्रोपी, चेंज इन एंट्रोपी याद रखोगे इसको नोट करके। इन एडियाबेटिक प्रोसेस की बात करेंगे तो एडियाबेटिक प्रोसेस में चेंज इन एंट्रोपी क्या होता है, डेल्टा एस की बात करेंगे तो क्या होगा, जीरो, क्यों, एच डी डेल्टा क्यू, हीट गिवन टू सिस्टम जीरो होता है, हीट गिवन टू टू सिस्टम क्या होता है जी, जीरो होता है। इसका डेल्टा एस का जीरो होने का मतलब क्या हुआ, एस वन इक्वल टू एस टू, इसका मतलब क्या होगा, एस कांस्टेंट, एस क्या होगा, कांस्टेंट होगा, ठीक है जी। सो अब देखो, अगर ये एस है और ये टी है तो एस कांस्टेंट होगा, एस क्या होगा, कांस्टेंट होगा, बताओ है ना। सो एस कांस्टेंट होगा, और ये जो एस हो गया कांस्टेंट, टीएस डायग्राम की बात करें, ये देखो, ये है वन, ये है टू, ये है थ्री, ये है फोर, तो इसमें क्या होगा जी, कंप्रेशन की बात करेंगे तो इसमें देखो, ये है वन, आइसेंट्रोपिक होता है, टू ये हो गया आइसोथर्मल, टू से थ्री, और फिर ये फोर हो गया, और ये फोर से वन, ये याद रखोगे टीएस डायग्राम, और ये है पीवी डायग्राम, ये है टीएस डायग्राम, कार्नोट साइकिल का टीएस डायग्राम याद रखना है। अब ये देखो एस कांस्टेंट है, एस कांस्टेंट होगा तो ये दोनों क्या होगा, एडियाबेटिक हो जाएगा ना, एस कांस्टेंट है तो एडियाबेटिक हो गया।
सो एडियाबेटिक को हम क्या बोल सकते हैं, याद रखेंगे। और ये जो हो गया आवर हो गया क्या, आइसोथर्मल हो गया, चलो बाद में हम बनाएंगे। सो इसको हम याद रखेंगे, दो एडियाबेटिक है, दो आइसोथर्मल होता है, रेफ्रिजरेशन सिस्टम और चलो हो जाएगा, तुरंत हो जाएगा, वो कोशिश करेंगे हो जाए। हो गया जी बच्चे, बोलो। चलो तो आज यहीं पे रहने देते हैं, ठीक है।